तो इस लोकतंत्र के महापर्व में अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जितेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ केंद्रीय विद्यालय के मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। उस दौरान मीडिया से बातचीत में जितेंद्र सिंह का कहना था कि ये चुनाव अलवर के मान सम्मान का है और अलवर की जनता विकास के नाम पर वोटिंग कर रही है। तो ये तस्वीरें आप अलवर की देख रहे हैं। जितेंद्र सिंह जो कि अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट किया है। उनका जो मुकाबला है बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ से सीधा मुकाबला है और कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के जितेंद्र सिंह। केंद्र में एक बार मंत्री भी रह चुके हैं पिछली बार, हालांकि उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन उस बार पूरी विश्वास के साथ वो मैदान में डटे हुए हैं। उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियां भी इस बूथ केंद्र पर पहुंचे और अपने मतदान का उन्होंने प्रयोग किया। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर के एक वैशाली नगर बूथ केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया और यहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह जो कि अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने परिवार सहित वे एक बूथ केंद्र पर पहुंचे अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ और अपने मत का प्रयोग किया। तो इस लोकतंत्र के इस महाकुंभ में, प्रदेश के इस दूसरे चरण के चुनाव में हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। वोट के जरिए एक सशक्त लोकतंत्र, एक सशक्त सरकार बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बुजुर्ग आदमी आके मेरे से कहते हैं कि हमसे वोट मांग रहे हैं लेकिन उनका खुद का वोट आ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरह से अलवर के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफी भी है और अलवर की जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज है कि जो वोटर ही नहीं है अलवर का, अलवर में वोट नहीं डालेगा, वो एक किस तरह से उसके अंदर एक भावना होगी अलवर के विकास के लिए, अलवर के काम के लिए, आम आदमी कैसे उसको अप्रोच कर पाएगा जिसके दिल के अंदर भावना ही नहीं हो अलवर के, जिस मिट्टी से नहीं बना हो या जिस अलवर का रगों का खून नहीं उसके अंदर दौड़ता हो, वो अलवर के लिए किस तरह से दुख और दर्द महसूस कर।